नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ विष्णु प्रभाकर और आप देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हमारे साथ आज देवरिया जिले के विशिष्ट पत्रकार माननीय कुंवर अरविंद सिंह जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही त्रस्त है। जी हाँ, हम बात करेंगे पुलिस वालों के ऊपर। और हमारे अरविंद जी हैं, कुंवर जी हैं, जो अपनी लेखनी और अपने कलम की ताकत से बताएंगे पुलिस वालों का अस्तित्व। तो बताएं सर कुछ पुलिस वालों के बारे में। एक सामान्य जनमानस में जो पुलिस के बारे में अवधारणा है जी, उस पर मैं खास बिंदु आपका सामने प्रस्तुत करता हूँ। पुलिस के बारे में नाना प्रकार की भ्रामक एवं सार्थक खबरें पढ़कर, पुलिस के बारे में नाना प्रकार की भ्रामक एवं सार्थक खबरें पढ़कर सोचा सच्चाई जानी जाए, अलग अलग समुदाय तर्कों में चलकर। अरे वाह, क्या बात है। एक रिश्ते वाले से पूछा, एक रिश्ते वाले से पूछा, पुलिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वाह। एक रिश्ते वाले से पूछा, पुलिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा, बड़ा गहरा सवाल है। अरे वाह। वैसे तो हम पुलिस वालों के नाम से डरते हैं। वैसे तो हम पुलिस वालों के नाम से डरते हैं, मगर मैं गाली नहीं दूंगा, ये सारे सारे के नीचे बात नहीं करते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। बीच में तमाम कड़ियां जी, अंतिम पे मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे भाई साहब हैं, दो चार लोग जानते हैं। अच्छा। उनकी मानते हैं। मैंने कहा, पुलिस के बारे में आप कुछ कहिए जी। मैंने कहा, पुलिस के बारे में आप कुछ कहिए। जनाब मुस्कुराए और एक बेढंगी सी कहानी सुनाई। अच्छा अच्छा, कैसी कहानी। एक परदेशी था, आसाम में रहता था। राम जाने क्या करता था, कितना कमाता था और क्या बचाता था। अच्छा अच्छा। दो साल तक घर नहीं गया। दो साल तक घर नहीं गया। दो साल तक घर नहीं गया। घर से चिट्ठी आई, माने पठाई थी, लिखा था, बेटा खुशियां मनाओ। खुशियां मना। 25 को तेरे बेटे का नामकरण संस्कार है। घर चले। अब बेटा दो साल से घर नहीं गया। बेचारा चुपचाप टिकट कटाए बैठा था कंपार्टमेंट में, सिर झुकाए संजोग, बस उसी कंपार्टमेंट में एक दरोगा ही चले। अरे वाह। और उसकी ओर तकरार हो गई। संजोग बस उसी सिर झुकाए बैठा था कंपार्टमेंट में, सिर झुकाए संजोग बस उसी कंपार्टमेंट में एक दरोगा ही चले और उसके पास खाली जगह देखकर उसकी ओर बढ़े। बोले, क्यों मुंह लटकाए। बोले, पूछे, क्यों मुंह लटकाए हो, क्या जमाने की सताए हो। उसने कहा, बेबस बिचारा हूं, तकदीर का मारा हूं, दो साल तक घर नहीं गया। घर से चिट्ठी आई है, माँ ने पठाई है, लिखा है, बेटा खुशियां मनाओ, 25 को तेरे बेटे का नामकरण संस्कार है। बाहर चले दरोगा जी से पढ़ाए। उसने कहा, तेरा भाई तेरा मामला है, तू खुश हो जो, बिना FIR के हम क्यों होंगे। क्यों होंगे बिना FIR के हम क्यों होंगे। हाँ, वैसे तुम अब घर जाके क्या करोगे। उसने कहा, सबसे पहले मैं उस बच्चे का चेहरा अपने भाइयों से मिलाऊंगा। क्या बात है। उसने कहा, सबसे पहले उस बच्चे का चेहरा मैं अपने भाइयों से मिलाऊंगा और किसी से मिल गया तो संतोष कर। वैसे तो मेरे सपनों की इमारत ढह रही है। वैसे तो मेरे सपनों की इमारत ढह रही है, लेकिन सोचूंगा जब घर की इज्जत घर नहीं रह गई है। क्या बात है जी। आलिया जी ने कहा, बड़े अच्छे इंसान है, अतः से महान जी। लेकिन मान लीजिए, दरोगा जी ने कहा, बड़े ऊंचे विचार है, समाज को भी इसी का दरकार जी। लेकिन मान लीजिए घर मिल गया। नहीं मिला तो। उसने कहा, आस पड़ोस में मिलाऊंगा। क्या बात है। उस बच्चे का चेहरा आस पड़ोस में मिलाऊंगा और किसी से मिल गया तो संतोष कर जाऊंगा कि चलो अच्छा आस पास पड़ोस वाला है जी। हाँ। उसने दरोगा जी का, वाह बड़े ऊंचे विचार है, बड़े अच्छे विचार है। हाँ, बड़े ऊंचे विचार है। हल्के से बोल आया। अच्छा। फिर बोला, दरोगा जी मैं सच कहता हूँ, दरोगा जी मैं सच कहता हूँ, ऐसी नजायज संतान को नसीने से लगा पाऊंगा। दरोगा जी मैं सच कहता हूँ,
ऐसी नाजायज संतान को, ऐसी नाजायज संतान को न सीने से लगा पाऊंगा और बड़ा होते ही उसे सीधे ले जाकर पुलिस में भर्ती कराऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो सर, और बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। और दोस्तों, आप इसी कहानी के साथ